बाद संजय राउत और ईडी की भगवा गमछा लहराकर अपना रुआब दिखाने वाले और खुद को बेकसूर बताकर साजिश का आरोप लगाने वाले संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी के रिमांड पर है। इन 4 दिनों में पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत का सामना ईडी के सवालों से होगा। उधर महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आ चुका है। न संजय राउत डरेंगे, न उद्धव ठाकरे झुकेंगे, न शिव सैनिक रुकेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ पूरे दम से लड़ाई लड़ेंगे। संजय राउत के ईडी के रडार पर आने के बाद से बार बार ये दावा हो रहा है, बाहें चढ़ाकर चुनौती स्वीकार करने का सीधा इशारा हो रहा है। संजय राउत के बहाने केंद्र पर तीखा वार हो रहा है। शक्ति का उपयोग किया जा रहे हैं और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। लेकिन इन हमलों के बीच ईडी का जवाब तैयार है। दावा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर जांच एजेंसी के पास पुख्ता आधार है और ईडी की इन दलीलों को कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी का दावा है कि पैसों के लेन देन में संजय राउत को सीधा फायदा पहुंचा है। मुख्य आरोपी प्रवीण राउत को संजय राउत ने मदद पहुंचाई है और इन आरोपों को लेकर अब महाराष्ट्र में छिड़ी नई सियासी लड़ाई है। शिवसेना इसे ठाकरे परिवार के खिलाफ साजिश बता रही है, आवाज उठाने वालों को दबाने का आरोप लगा रही है। संजय राउत पर कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? संजय राउत पर क्या कार्रवाई? पॉलिटिकल सर्कस चल रही है और जो भी इस राज्य में चल रहा है वो डेमोक्रेसी को पकड़ के नहीं है, लोकशाही को पकड़ के। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी लंबे समय से जांच का हवाला दे रही है तो शिवसेना विपक्ष को निशाना बनाने की बात कह रही है। अब विपक्ष की जो आवाज सुननी चाहिए उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। एजेंसी रहती है, वो अपना काम करती रहती है। अगर किसी को समन्स भेजा है, किसी को हिरासत में ले लिया है तो उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, इसलिए लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी राजनीतिक पार्टी ने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। इस बीच संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा संसद तक भी पहुंचा। शिवसेना समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने तत्काल चर्चा के लिए कार्य स्थगन का नोटिस भी दिया लेकिन सरकार ने खारिज कर दिया। पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टर अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। वी आर लॉ मेकर्स नॉट लॉ ब्रेकर्स। हम सब सदन में माननीय सांसद यहाँ कानून बनाने के लिए आते हैं। कानून की एजेंसीज अब तक काम कर रही है, शायद उनके सरकार में रहता होगा कि सरकार दखल अंदाज करती होगी इन एजेंसीज के काम पे। हमारी सरकार कभी एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है। उधर सियासी आरोपों के बीच ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। घोटाले और संजय राउत के बीच तार को जोड़ रही है। प्रवीण राउत को 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था, इसमें 672 विस्थापितों को देना था, लेकिन 2011 में बिल्डर ने जमीन के कुछ हिस्से दूसरे बिल्डर को बेच दिया। 2020 में प्रवीण राउत का नाम पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में सामने आया। तब पता चला कि उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए लोन दिए। ईडी इसी लेन देन पर सवाल उठा रही है और इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। मामले में ईडी ने संजय राउत के 5 करोड़ और उनकी पत्नी की 2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत एक अहम कैरेक्टर है। अब तक हर दिन संजय राउत की तरफ से शिंदे गुट और बीजेपी पर लगातार हमला बोलता जा रहा था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने कलम से संजय राउत प्रहार कर रहे थे लेकिन अब संजय राउत सीन से अचानक गायब हो गए।
संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लाउड स्पीकर वाली व्याख्या के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वही सियासी मायने जो महाराष्ट्र में भविष्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत हो सकते हैं। इसे यूं समझिए, अगर साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना का 30 साल पुराना गठबंधन टूटा और महाअघाड़ी की सरकार बनी थी तो उसके आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि संजय राउत माने जाते हैं। शिवसेना में संजय राउत का मतलब क्या है, आप उद्धव की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद खुद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिव सैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा मुझे मराठी थी शिकवण जरा मन तो उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। भले ही शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव ने तीखी टिप्पणी की, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि शिंदे गुट की तरफ से ना तो अभी तक उद्धव ठाकरे पर हमला किया गया और ना ही आदित्य ठाकरे पर, यानी एकनाथ शिंदे की तरफ से बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया गया है। हाँ, चाहे शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी, दोनों के निशाने पर संजय राउत रहे। जेपी नड्डाजींनी हे सांगितलेलं आहे की उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात जी काही शिवसेना होती ती शिवसेना राहिलेली नाही, आता ही नवीन शिवसेना या ठिकाणी झालेली आहे जी शिंदेंच्या नेतृत्वातली आहे। त्यामुळे त्या शिवसेनेच्या संदर्भात ते बोललेले आहेत, कृपा करून लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम तयार करू नका। अगर संजय राऊत पर ईडी के शिकंजे की टाइमिंग देखे तो बगावत के बाद भले ही शिंदे सीएम बन गए लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर पेज फंसा हुआ है, यानी शिंदे को एक और अग्नि परीक्षा में अभी खरा उतरना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ असली शिवसेना की लड़ाई में कोई फैसला नहीं आया है, मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग की चौखट पर है, मतलब आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अभी शिंदे सरकार की बगावत के बाद बनी सियासी तस्वीर साफ नहीं है। वैसे भी एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उद्धव पर नरम और राउत पर गरम का कैलकुलेटिव मूव अब काम आ सकता है। तो क्या उद्धव ठाकरे के करीबी राउत की गैर मौजूदगी में दोनों गुटों के बीच सुलह की कोई राह निकल सकती है? आज तक के लिए।